इसके पहले काहे नहीं टिकट दे रहा था? पूरे बिहार में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को देखकर लालू जी का नींद खुल गया, इसके पहले नींद नहीं खुल रहा। अब देख रहे हैं ये दोनों भाई लालू प्रसाद जी को पूरी तरह सत्ता से बाहर करने वाला। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं हसपुरा के लोगों से और भगवान राम के वंशजों से, भगवान परशुराम के वंशजों से और सभी लोगों से, आम मतदाताओं से, सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, एक एक वोट मजबूत सरकार के लिए दीजिए। और यदि लाल झंडे वाला वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा कि अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा? ममता बनर्जी होगी, अखिलेश यादव होगा, और जो जेल में बंद है हेमंत सोरेन वो होगा, आई दिल्ली में को चोरबा बैठा अरविंद केजरीवाल वो होगा, ये तो बताओ कौन होगा? इसलिए साथियों सचेत रहना, उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और आपका आशीर्वाद चाहिए। और मजबूत सरकार चाहिए साथियों, लोग आएंगे कहेंगे आरक्षण खत्म होने वाला है। लालू जी ने तो 15 साल में किसी को आरक्षण नहीं दिया, किसी को आरक्षण मिला है क्या? एक को बता दीजिए, 1990 से 2005 तक एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, ना पिछड़े को ना अति पिछड़े को। लेकिन जब चुनाव आएगा तो लालू जी को याद आता है कि आरक्षण खतरे में है, पिछड़े खतरे में है। लेकिन वो किसी का प्रचार करने जाते हैं, वो खाली दोनों बेटियों का प्रचार करेंगे, उनका घरे में खाली लालटेन जले, दूसरे जगह नहीं जले। आए थे औरंगाबाद, आए थे औरंगाबाद, आए थे नवादा, गए थे खगड़िया, गए थे मोतिहारी, नहीं, उनको सिर्फ अपनी दोनों बेटी को चुनाव जिताना है। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा इस प्रदेश को एक साफ सुथरी सरकार देना है, विकसित बिहार सरकार बनाना है और विकसित भारत बनाना है। और मजबूत सरकार होगा साथियों, हम आपको स्वस्थ करते हैं। नीतीश कुमार जी का उप मुख्यमंत्री हूं मैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। नौजवानों को ठगने का काम आजकल लालू जी का परिवार कर रहा है, आजकल मोहम्मद लालू प्रसाद बने हुए हैं। कल से देख रहे होंगे टोपी वोपी लगा के खानका में घूम रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथ। लालू जी कुछ भी कर ले, एकदम अस्वस्थ रहिए। जिस तरह की आंधी पूरे बिहार में मोदी जी का चल रहा है, मोदी नीतीश की जोड़ी चल रही है, इस बार भी लालटेन का खाता पूरे बिहार में नहीं खुलने वाला। और नौजवानों को बताना चाहता हूं कि 2025 का चुनाव अगले साल आने वाला है, हम लोग फिर वोट मांगने आएंगे आपसे, आपको स्वस्थ करके जा रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी के 15 साल के काल में 1,00,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी के 2005 से 2020 तक लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और सभी नौजवानों को कह देता हूं, चुनाव खत्म होगा 6 तारीख को, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 6 तारीख को आचार संहिता खत्म होगा। जितने नौजवान बेरोजगार है फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाओ, 10 लाख का सरकारी नौकरी का वादा पूरा करूंगा, एकदम पूरा वादा करके ही अगले साल वोट मांगने आऊंगा। इसलिए साथियों आग्रह करने आए और इस चिलचिलाती धूप में आप आए, इसके लिए मैं स्वागत आपका करता हूं साथी। और साथियों इसलिए कहा मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि अभी हमको 3-3 कार्यक्रम और करने हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, मजबूत सरकार होता है 56 इंच वाला सीना वाला, और ये मनमोहन सिंह सोनिया गांधी वाला नहीं चाहिए कि स्विच दाबेगी तब बोलेंगे मनमोहन सिंह, समझ गए ना? ये 56 इंच वाला सीना वाला प्रधानमंत्री चाहिए। याद कीजिए, अभी जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, लाखों बच्चे हमारे फंस गए थे, भारत के बच्चे मोदी जी को फोन कर रहे थे, मेल कर रहे थे कि मोदी जी हमको भारत ले चलो। मोदी जी ने कहा, यूक्रेन रशिया के राष्ट्रपति को फोन किया और कहा, पुतिन
युद्ध को रोको, युद्ध रुक गया, युद्ध रुक गया। तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फोन करके पूछा कि मोदी जी युद्ध तो रुक गया लेकिन भारत के बच्चे पहचानेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा, ऐसा भारत बनाना। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताइएगा ना, पक्का ना, इधर उधर कोई चक्कर नहीं ना है, कोई चक्कर चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कोई टक्कर में नहीं है साथियों। यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व बनाने के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को एक एक वोट देकर विजय बनाइए और बोलिए सियावर रामचंद्र की, भारत माता की जय।